हेलो गाइस, मैं हूं सन्नी राइडर और यहां पे आप लोग देख सकते हो हीरो एक्सट्रीम 125 आर जो कि भाई हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये है पल्सर एनएस 125, ठीक है, जो कि ये भी 2024 में ही लॉन्च हुआ है। तो आज मैं इन दोनों के बारे में जो है कंपेयर करके बताने वाला हूं आप लोगों को कि भाई इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सी बाइक सबसे बेस्ट रहने वाली है 125 आर को, मतलब 125 सीसी के अंदर, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो पल्सर वर्सेस हीरो एक्सट्रीम। तो मैं इसके जो हूँ ओनर को बुलाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पे फूड डिलीवरी के रिलेटेड और फिलहाल जो बाइक लिया है कुछ बाइकों के रिलेटेड भी मैं आजकल वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार जैसा रहा और जो बंदे जिस कदर के कमेंट करेंगे उनके लिए वैसी ही वीडियोज जो है आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मुलाकात करते हैं, आइए भाई साहब जिनकी बाइक है उनसे मुलाकात करते हैं। और भाई साहब कैसे हो, एक बार हेलो बोल दो सभी को आप, ठीक है। तो गाइस ये है हमारे जोगेश भाई साहब जो कि भाई जिनकी ये पल्सर एनएस 125 आ रहा ना, आर नहीं मतलब 125 सीसी है, आर की आदत इसकी पड़ गई है। तो मैं पहले इनसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो है पल्सर 125 क्या सोच के ली? बस ऐसी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए मतलब ऑडियंस को सुनाई दे। बस यही थी, लेनी थी यही वाली, मतलब मन नहीं आपका? हाँ, ये मन नहीं था। आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी और पे चला जाऊँ? मतलब ये कितना मॉडल है, 2024 है? हाँ 2024 मॉडल है ना, नंबर भी नहीं अभी लगा, लग गया ना नंबर तो चलो कोई ना, पर 2024 मॉडल। आप मतलब जब वहाँ पे गए, ये वैसे बजाज की है ना? हाँ बजाज, ये बजाज की है और ये हीरो वालों की है ना एक्सट्रीम, मतलब दोनों बजाज और हीरो का कम्पेयर हो रहा है आज गाइस। तो ये बताओ कि मतलब इसमें आपको क्या चीज पसंद है ज्यादा? में नहीं, बस यही था शुरू से कि यही लेनी है। अच्छा शुरू से ही है ना? हाँ। मतलब होता है ना गाइस, कईयों का माइंडसेट भी होता है कि भाई मैं वहां पे जाऊंगा या फिर रैंडम चीज देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब का बस माइंड में यही था कि मैंने मतलब एनएस 125 आर ही लेनी है। तो वहां पे 160 है, 150 ऐसे भी आता है समथिंग, तो आपने 125 क्यों ली? बजट में, बजट के लिए। हां ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में जो है फुल मतलब ओनर रिव्यू देने वाले हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, प्राइस को लेके, माइलेज को लेके और बॉडी स्पेयर पार्ट ऑल डिटेल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पास में आके ना थोड़ा सा ऐसे दिखा भी दो कि बाइकें जो है खड़ी कैसी लग रही है, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये लुक वाइज की अगर बात करें तो दोनों में जो है भाई जबरदस्त है। आप ये बताओ कि हीरो एक्सट्रीम आपको सही लग रही है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, देखा टेस्ट बंदे का जो है, मतलब पल्सर वाले बंदे, हाँ ठीक है चलेगा। अब इसे भी दिखाइए आप एनएस पल्सर को, आगे से पीछे से मतलब चारों तरफ से एक बार आप घुमा दीजिए कैमरा कि ऑडियंस को पता चले कि यहाँ पे एनएस 125 और हीरो एक्सट्रीम 125 जो है दोनों की दोनों खड़ी है और इनका जो है प्रॉपर फुल डिटेल ओनर रिव्यू और आप लोगों को पूरा का पूरा प्राइस वगैरह सब कुछ जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा, ताकि आप लोग जो हो लेने से पहले कंफ्यूज ना हो कि आप लोगों ने इन दोनों में से, अगर आप लोगों के माइंड में चला हुआ है पल्सर ले जा हीरो एक्सट्रीम ले, एक साइड है बजाज दूसरी साइड है हीरो, हीरो कंपनी, तो इन दोनों में से। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपनी मतलब बाइक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो है ऑलरेडी एक ओनर रिव्यू डाला हुआ है, ठीक है। आपने भाई साहब वीडियो नहीं देखी होगी मेरी ना ओनर रिव्यू वाली, कि देख ली? नहीं नहीं अभी नहीं देखी, देख लेना आप भी, ठीक है। ऑडियंस भी तभी देखेगी अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। तो गाइस इसकी मैंने ऑलरेडी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई थी, मैं सच बताऊं आपको, जो फर्स्ट वीडियो जो है काफी ज्यादा मतलब बंदों ने प्यार दिया उस वीडियो पे कि उसकी जो क्लच का इशू आ रहा था फर्स्ट सर्विस के बाद क्लच का इशू सॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी तो आप लोग लुक वाइज देख सकते हो सारी की सारी, आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ अंडर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे को बता सकते हो कि ये जो हीरो एक्सट्रीम है ये कितने की हो सकती है समथिंग? पास में आ जाओ अपनी बाइक के, 125 की, 125 की कैश, ठीक है कैश 125। और ये कितने की है पल्सर? ये 130 की दी जाए, 130 की कैश पे। हाँ मतलब फाइनेंस करवा के ज्यादा जाएगी। आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि गाइस ये वाली जो बाइक है ना ये मतलब अगर मैं शायद मतलब ये वाला जो है लेटेस्ट वर्जन आया था इसके चक्कर में इसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई। इसका जो बेस मॉडल था वो दे रहे थे 115 था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे हिमाचल से निकाला, बाकी अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने ये कहाँ से ली थी? ये मोहाली से ली है। अच्छा आपने मोहाली से, तो मोहाली में इसका प्राइस जो है 130 चला हुआ है कैश पे, है ना। और मैं अपनी बाइक की बात करूँ हीरो एक्सट्रीम की तो गाइस ये जो है कैश पे 120 की मुझे जो है मिली है, 120 की मतलब कैश पे है। और मैंने इसका फाइनेंस वगैरह की अगर बात करें तो अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हो तो आप मतलब जितने महीने की किस्तें बढ़वाते हो तो आपको जो है उसके हिसाब से ब्याज बढ़ता जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये जो है भाई कॉस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा है, सही बोल रहा हूँ?
10,000 एक्स्ट्रा है, यानी कि 30,000। अगर आप इसे किस्तों पे लेने जाते हो तो मैक्सिमम अगर आप लोग 2 साल या 3 साल की किस्त पे रखते हो तो इसे समथिंग 15,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, आराम से 15,000 एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि जितना लंबा आप टाइम खींचोगे उतने लंबे टाइम पे आप लोगों को जो है इसका मतलब ब्याज बढ़ता जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, पास में आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग देख लो इसकी फ्रंट लुक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, मतलब मैक्सिमम जो इसकी लुक है यहाँ पे देख लो आप इसकी आईज, ठीक है, और इसका थोड़ा सा ऐसे फेस ही दे रखा है, मुंह दे रखा है, आपने तो इसका मुहूर्त भी कर दिया ना, मुहूर्त कर दिया आपने, चलो। और इसका जो है यहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग साउंड सुनो, इसकी साउंड सेम है ना गाइस, आपको बिल्ड क्वालिटी भी दिखाई देते हैं, ठीक है, सेम है गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अगर मतलब फ्रंट की बात करें तो भाई इन दोनों की सेम है बिल्ड क्वालिटी, अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे तो है नहीं कुछ, है यहाँ पे तो ये ऑलरेडी लाइट ही दे रखी है पूरी की पूरी, बट कंपेयर दोनों का जो है भाई सेम है। इसमें थोड़ा सा मतलब फेस इसका जो है थोड़ा सा बड़ा कर रखा है, उसमें प्रॉपर लाइट, और इसमें मतलब थोड़ी सी शेड की अगर बात करें तो डिफरेंट है ना, जैसे वो इसमें है वैसे की साइड में। अच्छा इसके, हाँ ये वाली चीज है ना, मतलब थोड़ा सा उसे थोड़ा सा अवी शेप में कर रखा है, और इसे भी थोड़ा सा अवी शेप में कर रखा है, बट इसकी थोड़ी सी लुक मेरे को एनहेंस करती है, और इसका थोड़ा सा फेस बाकी भाई चॉइस पे है कि नहीं भाई साहब। हाँ, और अगर हम हाँ जिसको जो पसंद है गाइस वही चीज चलेगी। और अगर हम बात करें इसके मीटरों की, आ जाओ मीटर दिखाना इनके, ये देख लो आपकी एक तो चाबी ऐसे यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो, इसका मीटर जो है आप लोगों को इस कदर का मिलता है पल्सर का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल रेसिंग बाकी टाइम वगैरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है ना, सब कुछ है ना, मोबाइल के साथ सब कुछ A to Z, यहाँ पे तेल वगैरह मतलब सब कुछ जो है आप लोगों को इस मीटर में देखने को मिल जाएगा। कॉल वगैरह आती है तो नाम आ जाता है। अच्छा कॉल आती है तो नाम भी आ जाता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का आपको ऐसा बटन मिल जाता है देखने को, ठीक है, यहाँ पे रेड बत्ती जल रही है यानी कि मैंने इसे यहाँ से ऑफ कर दिया, और यहाँ पे आपको जो है मतलब M और S, इसके मूड आपको पता है क्या है? हाँ इससे ये शायद वो होगा ना, हाँ टाइमिंग या फिर किलोमीटर रीसेट करने के लिए, ये वो चीज होती है। और यहाँ पे आपको आप लोगों को जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, ये सारा का सारा कंट्रोल, ठीक है, मतलब ये चीज मुझे प्यारी लगी, ये चारों इंडिकेटर का होगा ना, यहीं से फोन का भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा यहीं से फोन का कंट्रोल हो जाता है, इंडिकेटर यहाँ आगे पास आ गया, यहाँ पे हॉर्न आ गया, और आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक की तो आ जाइए भाई साहब, अब यहाँ पे अगर हम करें हीरो एक्सट्रीम की बात तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इनमें जो है इन्होंने क्वालिटी थोड़ी सी लो सी दे रखी है, और ऐसे ही ये देखो आप, मतलब ये चीज इन्होंने थोड़ी सी ऐसे ही टेम्परेरी कर रखी है, इतनी मतलब महंगी बाइक और इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद इन्होंने कुछ चीजें जो है ऐसे ही दे रखी, बट चलो कोई ना, पास का और यहाँ पे डिपर का आ गया, यहाँ पे आ गया भाई चारों इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ पे सेल्फ आप लोगों को देखने को मिल जाती है, बट इन्होंने गैप बहुत ज्यादा रख रखा हर चीज में, पता नहीं क्यों इतना गैप रखा हुआ है। और मीटर की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस प्रकार का मीटर, और यहाँ पे इसमें सब कुछ है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन आती है, अभी तक मैंने मतलब इसका ब्लूटूथ जो है भाई कनेक्ट करके चेक करके नहीं देखा है, जब भी चेक करूंगा आप लोगों को मतलब वीडियो भी शूट करके दिखाऊंगा आप लोगों को इसके अंदर ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर टाइम आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर किलोमीटर, और उसके आगे पेट्रोल की ऑप्शन आ जाती है, डंडे ABS वेरिएंट है ये, ठीक है, स्पीड 0, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 900,000 RPM वगैरह, और यहाँ पे पेट्रोल टैंकी का साइन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी मीटर की बात, और यहाँ पे आपने फ्रंट का देख लिया, मिरर की बात करें तो मैंने अभी तक इसके मिरर उतारे नहीं है, और इन भाई साहब ने जो अपने बाइक के मिरर ही उतार दिया, क्यों अच्छे नहीं लगते क्या मिरर? नहीं अच्छे लगते, ठीक है। और गाइस अगर हम पीछे से बात करें बाइकों की तो आप लोग देख सकते हो सामने, मैं जो चीज मैं नेगेटिविटी मतलब जो नेगेटिव पॉइंट मैंने इस बाइक में निकाले हैं ना, वो पता क्या है भाई साहब, आपको कोई पीछे से नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है आपके हिसाब से? हाँ ये चीज निकाल रखी है। क्या चीज? ये हाँ। ये तो चलो ये तो मैंने खुद ही निकाला, आप इधर इधर बताओ इधर ऑडियंस को, एक तो चलो ये तो मैंने मतलब ये चीज आती नहीं है इसमें, इसमें था पूरा कवर की लेडीज का, ये भी नहीं आता इसमें, ये इसमें कंपनी फिटेड है। गाइस ये वाली चीज जो है सबसे बेस्ट लगी मुझे कि अगर पीछे कोई लेडीज वगैरह बैठने के लिए मतलब इन्होंने ये वाली चीज दे रखी है, ठीक है, मतलब बेस्ट चीज ये है। और इस बाइक में आप लोगों को ऐसी चीज मतलब लेडीज के लिए तो कोई चीज मिलती नहीं है, ठीक है, एक चीज मिलती थी वो मैंने यहाँ से निकाल दी है कि उनकी दुपट्टा वगैरह या चुन्नी वगैरह इसमें फंस ना जाए। और अगर मैं बात करूँ और कोई चीज आपको है नजर आ रही जो
सिलेंसर। चल सिलेंसर तो छोटा है, ये तो मैं बाद में बताऊं। मेरे को पता क्या चीज है, ये चीज है, ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से फिर भी चिक्कड़ ऊपर आता है, और ये चीज मेरे को इसमें अच्छी लगती है। यहाँ पे दिखा दो अब, ये देखो, ये चीज सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि ये पूरा कवर ही कर लेता है चिक्कड़ को, चिक्कड़ ऊपर आने का चांस ही नहीं है। और ये पीछे का इतना सही मिला है, मतलब इसमें जो है आपको शॉर्ट वो मिल जाता है स्पोर्टी लुक का, और इसमें जो है आप लोगों को ड्रैगन टाइप का मिल जाता है लंबी पूंछ वाला, ठीक है। और अगर सिलेंसरों की बात करें तो यहाँ पे सिलेंसर है ही नहीं, सिलेंसर ही नहीं है इसका, देखो ना, इसका सिलेंसर ही नहीं है। सिलेंसर ओ भाई गाइस, इसका सिलेंसर देख लो आप, बिल्कुल ही छोटा सा सिलेंसर दे रखा है, जो कि भाई मतलब बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है इसका, जो है इतना बड़ा सिलेंसर दे रखा है साइड में, ठीक है। इसका भी यहाँ तक ही होना चाहिए था सिलेंसर की, पता ही ना चले किसी को कि सिलेंसर है कि नहीं है, बंदे कंफ्यूज हो जाए यार हर चीज में। और आप लोगों को इसमें जो है किक देखने को मिल जाती है, इसमें इसमें भी आप लोगों को किक देखने को मिल जाती है, और किक के ऊपर इसमें रबड़ भी मिल जाती है, इसमें आप लोगों को रबड़ भी नहीं आती, जो कि भाई कंपनी ने इसके भी पैसे मार लिए। हाँ ये थोड़ी ऐसी लग रही है मुझे, और इसकी जो किक है काफी ज्यादा हैवी है। और अगर हम सेफ्टी गार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे जो है इस बाइक में काफी बड़ा देखने को मिलता है ये वाला क्रैश गार्ड, और यहाँ पे जो है बिल्कुल छोटा सा दे रखा है। ये कंपनी फिटेड है कि आफ्टर मार्केट, मतलब ये चीज इन्होंने गलत दे रखी है बजाज पल्सर में, ठीक है। और गियर की अगर बात करें तो दोनों में जो है फ्रंट गियर नीचे को, बाकी सारे के सारे गियर ऊपर को पड़ते हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, इधर बताओ ना। सही है, कैसे पड़ते हैं गियर, पहला नीचे बाकी ऊपर, पहला नीचे बाकी ऊपर, सही है गाइस, सारे गियर ऐसे। और सीट की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसी सीट मिल जाती है, और पीछे वाला ज्यादा ऊंचा है, सीट दोनों में सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनकी बात करें तो इसमें छोटे से मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी लाइटिंग के हिसाब से, और इसमें काफी बड़े मिल जाते हैं, काफी चौड़े से, मतलब चौड़ा छोड़े चितड़ो वाला आदमी पीछे बैठ सकता है, यहाँ पे नेड़े चितड़ो वाला ही बैठेगा गाइस, ठीक है। ये वाला एक मेजर पॉइंट है। और ऊपर से आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, इसके पीछे जो है जो लाइट है वो सीधी आपको यहाँ पे मिलती है, और इसकी जो लाइट है बिल्कुल ऊपर को मिलती है, यानी कि ये थोड़ी सी ऐसे टूटने का खतरा रहता है, बट नो डाउट इसकी बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो नोट, ये वाली बिल्ट क्वालिटी सबसे बेकार है गाइस, यहाँ पे आवाज भी आ रही है, मतलब साउंड आ रही है। तो अगर बिल्ट क्वालिटी की, दोनों में से बिल्ट क्वालिटी की अगर बात करी जाए, फाइबर दोनों का सेम है, बट इसमें जो है इन्होंने काफी ज्यादा ऑप्शंस दे रखी है टैंकी में, कम से कम एक दो तीन, मतलब दो तीन तीन चार पार्ट जो है इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो कि अगर गिरे तो भाई पूरी की पूरी टैंकी खिलारे पड़ जाएंगे। और इसमें अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आगे के दे रखे हैं, जो कि अगर गिरे भी बाई चांस तो सिर्फ एक चीज डैमेज होगी, पूरी की पूरी टैंकी सेफ रहेगी, सही है ना कि नहीं। ये चीज इसमें जो है सबसे बेस्ट है। और अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है सारा प्लेन दे रखा है, और इसके आगे आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाता है कवर की टैंकी को, कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, ठीक है। तो ये वाली चीज भाई, मतलब पैसा हर जगह इन्होंने खाया है, यहाँ पे अगर 10,000 एक्स्ट्रा लगा है तो भाई 10,000 लाइक थोड़ी बहुत एक्सेसरी भी है, और इसमें जो कम लगा है भाई इसमें जो है कम भी है। अगर हम माइलेज की बात करें, आप आगे आ जाओ अब, ठीक है, पीछे से दोनों ऊंचे हैं, दोनों प्रॉपर है, सब कुछ ए टू जेड है, चैन सेट वगैरह सब कुछ सेम है, उसमें कोई वो नहीं है, सिंगल छोकर आ जाते हैं दोनों के दोनों, सिंगल छोकर है। हाँ, हाँ, सिंगल है। अब एक बात बताओ कि ये माइलेज कितनी दे रही है आपको सिटी के अंदर? माइलेज का तो वैसे अभी निकाला नहीं है, वैसे तो 45 की आराम से, तो 45 की, 40-45। हाँ, आपको जो है ये वाली 40-45 की माइलेज देगी सिटी के अंदर की, लॉन्ग राइड पे, सिटी के अंदर मतलब कहीं पे भी, लॉन्ग राइड पे भी, मतलब मैक्सिमम 45 की, हाँ 40-50 की स्पीड पे चलाए तो 50-60 की स्पीड पे आपको जो है 45 की एवरेज देखने वाली है। और इसकी सबसे खास बात ये है गाइस कि आप लोगों को इसके अंदर मतलब माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है 65 प्लस की माइलेज देखने को मिल जाती है अगर हम लॉन्ग रोड पे जाए तो। आपको पता था इसके बारे में कि इसकी माइलेज इतनी है? पता था, ठीक है। और गाइस अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में आप लोगों को जो है 55 तक की माइलेज देखने को मिल जाती है अगर आप लोग सही तरीके से ड्राइव करते हो तो। चलाने का सभी का अलग अलग तरीका होता है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई साहब? कुछ लड़के जो है भाई थोटर देते रहते हैं बेफालतू में, कईयों को प्यार से चलाने की आदत होती है, फिर कई बंदे बोलते हैं कि भाई मेरी बाइक तो माइलेज नहीं दे रही। पर पहले खुद पे भी कंट्रोल रखा करो ना, देखा करो कि तुम बाइक कैसे रन कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, इसे यूज कैसे कर रहे हो। अब करते हैं बारी, इन्हें स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं दोनों बाइकों को कि आगे से आप लोगों को इंडिकेटर चारों के चारों ओपन हो जाते हैं इसके ना? नहीं होते इसमें, ये वाला भाई फीचर नहीं दे रखा, ये वाला आफ्टर मार्केट आपको लगाना पड़ेगा, और इसके चारों के चारों इंडिकेटर ओपन हो जाते हैं एक स्विच से ही, ठीक है। ये वाली चीज सबसे बेस्ट है। और अगर हम साउंड की बात करें
गाइस आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ मैं, थोड़ा सा थोड़ा देना, ये नॉर्मल साउंड है। ये जो है भाई पल्सर 125 की आपने साउंड सुनी, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसकी, इसे बंद कर दो आप। गाइस अब ना आप हीरो एक्सट्रीम की साउंड सुनना, अच्छा मेरे को अब ये बताओ कि इन दोनों में से आपको कौन सी साउंड ज्यादा बेटर लगी? दोनों ठीक है, साइलेंट है, साइलेंट है दोनों ना। हाँ गाइस दोनों साइलेंट है, बट मेरे को जो है थोड़ी सी अगर मैं मतलब वो स्पोर्टी लुक की अगर बात करूँ, जो मतलब मिट्टी मिट्टी सी साउंड होती है जो एक राइडर चाहता है, वो आई थिंक इसमें है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में कोई अगर सिलेंसर में कोई चीज फंसा दूं ना भाई, मैं सच में बता रहा हूँ क्रेजी वाली आएगी साउंड इसकी। पर मैं ट्राई करके देखूंगा जैसे जैसे भाइयों का प्यार रहा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ प्राइस कंपेयर की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10,000 इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये जो है 120 की है, ये 130 की है। अगर आप लोग किस्तें बनवाते हो तो आप लोगों को जो है 10 से 15, मतलब जितने लंबे टाइम की आप किस्तें बनाओगे उस हिसाब से आप जो हो अपना ब्याज काउंट कर सकते हो। और ये बताओ, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये वाली जो है पल्सर N125 सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग जो हो भाई डेली रूटीन में या फिर माइलेज के लिए बाइक लेना चाहते हो तो आप लोग हीरो एक्सट्रीम 125 आर गेन कर सकते हो। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है, और इसका जो है मतलब ये ऊंची है, इससे थोड़ी सी ऊंची है। इस बाइक को जो है 5.3 मतलब जिसकी हाइट है 5.5 या फिर 5.3 उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी 5.8 या 5.9 वाले बंदे को इसमें बैठने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे जो है भाई 5.3 वाला बंदा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब उसके पांव जो है ऊपर रहेंगे, ठीक है, गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और दोनों की दोनों अगर बाइकों का वेट करें हम तो भाई बाइकों का वेट जो है ठीक ठाक है, मतलब समथिंग कितना होगा, 150-150, 200-200 किलो होगा ना, इतना वेट होगा, मतलब ये सोच लो कि आप संभाल सकते हो इसके। और अगर शोकरों की बात करें तो भाई इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा गैप वाले शोकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है, बट इसमें शोकर जो है थोड़े से पतले हैं, और इसमें थोड़ा सा कम गैप है और इसके शोकर जो है मोटे हैं। ठीक है, बाकी अलोए की अगर बात करें तो अलोए तो आप लोगों को पता ही है, और इसमें जो है कंपनी से MRF टायर मिला था, और इसमें भी MRF टायर मिला था। टायर की अगर बात करें दोनों कंपनियों ने सेम टायर दे रखे हैं, नो डाउट ये चीज़ जो है सबसे बेस्ट है। बाकी अब आप लोगों ने कौन सी लेनी है भाई, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग भाई डेली पर्पज से यूज़ करना चाहते हो बाइक को, ये कहीं इसकी बैटरी में ना इफेक्ट पड़े, बंद कर लेता हूँ। मतलब अगर आप लोग डेली रूटीन में ट्रैवल करते हो तो आप लोग जो हो भाई माइलेज की तरफ जा सकते हो, और अगर आप लोगों को ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी चाहिए और भाई स्पोर्टी लुक चाहिए, भगानी है बाइक, तेल से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं तेल से दूर दूर तक का, तो आप लोग जो हो NS125cc ये वाली बाइक गेन कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया और ओनर साहब ने बता दिया, मतलब इन्होंने क्यों ली थी, इनका जो है भाई इंटरेस्ट था कि भाई सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो पल्सर NS125 ही चाहिए। ठीक है, और मेरा था कि भाई मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ काम के रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फूड डिलीवरी में काम करता हूँ, तो मुझे जो है भाई माइलेज और लुक वाइज दोनों में जो है ये वाली बाइक बेटर लगी, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। नो डाउट काफ़ी मतलब अभी 1500 प्लस चला चुका हूँ इसे, अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आई नहीं है, स्टार्टिंग में आ रही थी अंडर 500 किलोमीटर चलाने से पहले, बट फर्स्ट सर्विस के बाद जो है वो वाली क्लियर होगी। ठीक है, तो भैया एक तो थैंक यू सो मच, आपने जो है मतलब अपना रिव्यू दिया इस बाइक के रिलेटेड, तो मतलब और इसकी जो है भाई बिल्ड क्वालिटी की मैं सच में बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसकी बिल्ड क्वालिटी कम है, इसकी जो है ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने देख लो जो सी चाहिए, दोनों में से दोनों बेटर है, बस माइलेज का डिफरेंस है। इसमें जो है आप लोगों को फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, इसमें थोड़े से कम मिल जाते हैं। बस जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय बोल दो एक बार, बाय। सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, जोर से बोलो, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे, घंटी नहीं दबाने के लिए बोले, बेल आइकन जरूर दबाए, ऐसे और मार देना घंटा ऐसे। ठीक है गाइस, बाय बाय।